सनसनी ऑफ इंडिया। दक्षिण पूर्व जिले की एएटीएस टीम ने दो ऐसे स्नेचरों को दबोचा है जो ओखला की एक कंपनी में नौकरी करते थे, लेकिन इनके सपने इतने बड़े थे कि मिलने वाली सैलरी से इनका गुजारा नहीं होता था, इसलिए शॉर्टकट तरीके से जल्दी और मोटा पैसा कमाने के लालच में नौकरी के साथ साथ मौका मिलते ही मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे। यह लोग चोरी के मोबाइल मेवात इलाके में जाकर बेच दिया करते थे। आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय मोनू और 24 वर्षीय तौफीक के रूप में हुई है। दोनों दिल्ली के संगम विहार इलाके के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से चोरी के 8 मोबाइल फोन व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इनकी गिरफ्तारी से मोबाइल स्नैचिंग व चोरी के 12 मामले भी सुलझ गए हैं। दक्षिण पूर्व जिले की डीसीपी ऐशा पाडे का ऑपरेशन संरक्षण के तहत अपने जिले में क्रिमिनलों को क्लियर व कड़ा मैसेज है कि क्राइम छोटा हो या बड़ा, क्रिमिनलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनल अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दे कि अपराध करके वो बच जाएगा। क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल के साथ साथ क्राइम में क्रिमिनल की मदद करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सरिता विहार, ओखला व कालकाजी इलाके में मोबाइल चोरी और लूट करने वाले स्नैचर ने आतंक मचा रखा था। स्नैचिंग की घटनाओं पर अंकुश लगाने व स्नैचर को जल्द से जल्द दबोचने के लिए दक्षिण पूर्व जिले की डीसीपी ऐशा पाडे ने ऑपरेशन संरक्षण के तहत मनोज सिन्हा, एसीपी ऑपरेशन की सुपरविजन व एएटीएस इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में एएसआई राम कुमार, एएसआई राजीव कुमार, विनोद कुमार, रूप सिंह, हेड कांस्टेबल शरवन, परवीन, विक्रम, कांस्टेबल अमित और मोहित की एक टीम का गठन किया। टीम ने सबसे पहले आरोपियों की मोडस ऑपरेंडी को बारीकी से स्कैन किया, मुखबिरों का जाल बिछाया। क्रिमिनलों की मोडस ऑपरेंडी से टीम को पता चला कि यह गैंग ज्यादातर ऑफिस की छुट्टी के समय राह चलते लोगों को टारगेट करता है और यह भी पता चला कि यह गैंग बाइक से वारदात को अंजाम देता है। टीम ने इलाके में अभी तक जितनी भी मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें हुई थी उन सभी जगहों का मोबाइल डैम डाटा को स्कैन किया। मोबाइल डैम डाटा से टीम को एक कॉमन मोबाइल नंबर मिला जो कि सभी वारदातों के समय एक्टिव था। टीम ने तुरंत उस सस्पेक्ट मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया। टीम की मेहनत रंग लाई। आरोपियों के मोबाइल सर्विलांस से टीम को पता चला कि दिनांक 22 अप्रैल 2022 को शाम लगभग 6 बजे छीने और चोरी के मोबाइलों को बेचने के लिए अपनी मोटरसाइकिल से मां आनंदमय मार्ग से होते हुए मेवात जाएंगे। टीम ने आरोपियों को दबोचने के लिए क्राउन प्लाजा रेड लाइट के पास जाल बिछाया। शाम करीब 6:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए जो कि पुलिस टीम को देखकर पहले थोड़ा रुके और यूटर्न लेकर वापस भागने लगे। टीम ने दौड़कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान संगम विहार निवासी 24 वर्षीय मोनू पुत्र महेंद्र व संगम विहार निवासी 24 वर्षीय तौफीक पुत्र नसीम के रूप में हुई। इनके कब्जे से चोरी के 8 मोबाइल फोन व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई है। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वो ओखला में ही एक कंपनी में काम करते हैं, लेकिन मिलने वाली सैलरी से उनका गुजारा नहीं होता था और उनके सपने बड़े बड़े थे, इसलिए शॉर्टकट तरीके से जल्दी और मोटा पैसा कमाने के लालच में नौकरी के साथ साथ मोबाइल स्नैचिंग और चोरी की वारदातों को अंजाम देने लगे। कड़ी पूछताछ करने पर पता चला कि आरोपी तौफीक मोटरसाइकिल चलाता था, जबकि आरोपी मोनू उसके पीछे पैदल राहगीरों से मोबाइल फोन छीनने के लिए बैठा करता था। अपराध होने के तुरंत बाद दोनों आरोपी चोरी के मोबाइल फोनों को मेवात में अच्छी दरों पर बेचते थे। यह आरोपी सरिता विहार, कालकाजी और ओखला क्षेत्र के लोगों को सक्रिय रूप से निशाना बना रहे थे। इन्होंने स्वीकार किया कि इन्होंने हाल ही में ओखला में 4 मोबाइल फोन भी छीने थे। आरोपी मोनू ने 10वीं तक पढ़ाई की है। यह एक निजी फर्म में काम करता था, लेकिन बाद में उसने खुद को असामाजिक गतिविधियों में शामिल कर लिया। इसकी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। आरोपित तौफीक भी 10वीं तक पढ़ा है। यह ओखला की एक कंपनी में काम करता था। इसकी भी पहले की कोई क्राइम हिस्ट्री नहीं है। इनकी गिरफ्तारी से ओखला इलाके से मोबाइल चोरी के 6, सरिता विहार, कालकाजी व महरौली इलाके से मोबाइल चोरी का एक एक मामला सुलझ गया है। चोरी के मोबाइल फोन व अन्य चीजों की बरामदगी के लिए इन मामलों की आगे की जांच जारी है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें।
सिर्फ 5 मिनट। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश, देखें हर रोज 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in।